खटे खोई हुई है तू, सुबह से देख रहा हूं चुपचाप खड़ी है। अरे बात के है, समझा करो जी, पहली बार ससुराल देखने जा रही है, थोड़ी घबराहट तो होगी, और ये सब छोरियों की बातें आपकी समझ में को नहीं आई? देख, मारे होते हुए तने घबराने की कोई जरूरत को नहीं। और रही बात उन लोगों की, जितना बड़ा उनका घर है ना, उससे भी बड़ा दिल है उनका, घबरा मत और जल्दी करो, देर हो रही है, चलो आओ। उफ, वेरी हॉट, एयरपोर्ट से आने में ना गर्मी में जान निकल गई। आपको कितनी बार कहा जी, चार्टर प्लेन बुक करवा लो, चार्टर प्लेन बुक करवा लो, लेकिन नहीं, आप तो मेरी सुनते ही कहा हो। आपको भी ना बात करने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। पर भाग्यवान, हम तो ट्रेन से आए हैं। चुप करो, कोई सुन लेगा। कितनी बार समझाया आपको, जब चादर फटी हुई हो ना तो बैंड बाजा बजा के शहर भर में ढिंडोरा नहीं पीटा करते। हुकुम, आपके भाई साहब और भाभी साहब आए। रणधीर और चारुलता भाभी जाए हैं, तो फिर वो बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर लेके आओ ना। माफ करना हुकुम, मैंने उनसे कहा था अंदर आने के लिए, पर वो नहीं आए, शायद आपसे नाराज है। जीजी ने तो पैसे दिए थे, मगर वो सारे पैसे आप तो रेस कोर्स के जुए में हार गए। अरे दाव लगाया था मैंने, और अगर सही बैठ जाता ना तो यही जीजी के घर के सामने हेलीकॉप्टर उतरवाता। ये सब सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। हाँ, मगर आज तक जीती गड्डिया नहीं गिनी मैंने। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो जी, ये जिंदगी की उठा पटक कर करके ना मैं थक चुकी हूँ, मुझसे अब और सहन नहीं होता जी। अब तो मैं जीजी का ये घर छोड़ के पूरी जिंदगी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, जीजी आ गई। हाँ। रणधीर, आ गए तुम दोनों।